डंकी वर्सेस सलार का मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि भाई कहीं स्क्रीन्स नहीं मिल रही, कहीं पे नॉर्थ में डंकी को सारी स्क्रीन्स दे दी जा रही हैं, कहीं साउथ में ऐसी चीज सलार के साथ हो रही है। तो भाई बहुत ज्यादा चीजें मतलब हीटअप हो गई है। लेकिन जो एडवांस बुकिंग है जो देखने को मिल रहा है ना, वो भाई किसी ने मुझे नहीं पता, मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सलार डंकी को इतने बड़े मार्जिन से हरा देगी। मतलब शाहरुख खान ने पठान और जवान से 2000 करोड़ की मूवीज दी, वहीं प्रभास ने जितनी भी मूवीज दी हैं, एक बाहुबली को अगर छोड़ दे तो और कोई भी उनकी बड़ी इतनी ऐसी मूवी नहीं है कि भाई जिसको देखने के बाद लोग बोले कि नहीं यार ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है। बाहुबली ने उनको एक तरह से चढ़ाया। लेकिन भाई अब बात ये आ गई है कि जो डंकी और सलार के बीच का डिफरेंस है टिकट्स में, आप सुनोगे तो शायद आप भी बहुत ज्यादा हैरान होगे कि भाई डिफरेंस लगभग 9 लाख का है। भाई 9 लाख टिकट्स, मतलब एक बहुत बड़ी मूवीज होती है। आप ये सोचिए कि गदर 2 ने अपने लाइफ टाइम में 7.5 लाख टिकट सोल्ड की थी, मतलब ये उसका रिकॉर्ड था उस टाइम, कहा जा रहा था ये बहुत बड़ा है। लेकिन डंकी और सलार में डिफरेंस ही 9 लाख का है लगभग। एक सुपरस्टार जो भाई 2000 करोड़ की मूवीज देके आया है, मतलब उस ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद सलार डंकी के सामने छोटी पड़ जाए, सलार को कोई देखे ना, डंकी के साथ क्लैश करके गलत कर लिया। लेकिन भाई चीजें बहुत ज्यादा उलट देखने को मिल रही हैं। सलार की जो एडवांस बुकिंग है ना, बोलते हैं ना कि कुछ ये तो अलग ही चीज देखने को मिल रही है। जैसे कल मैंने कहीं पढ़ रहा था कि भाई जो बुक माई शो है वो ना क्रैश हो गया, मतलब ऐसे बोल देते हैं ना कि भाई बहुत अच्छी बुकिंग हो रही है तो वहां पे लिखा जाता है, लेकिन लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ट्यूजडे तक ये मूवी 3.5 लाख तक थी और भाई इसने सिर्फ 2 दिनों में 12 लाख टिकट बेच दी। भाई साहब बहुत अलग लेवल पे है। इनकी कलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले डंकी ने अभी तक 5,58,000 टिकट सोल्ड कर दी हैं। अगर इसको हम कलेक्शन में बदले तो इसकी 15-16 करोड़ की कलेक्शन हो गई है, जो कि एक अच्छी एडवांस बुकिंग है। भाई मतलब आज ये रिलीज भी हो गई मूवी तो इसकी एडवांस बुकिंग तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन सलार के पास एक और दिन अभी बाकी है। वहीं अगर मैं आपको सलार का बताऊं तो सलार ने 14,11,000 से भी ज्यादा टिकट सोल्ड कर दी हैं, और अगर इसकी कलेक्शन में आपको बताऊं, इसको कन्वर्ट करूं तो ये 29.25 करोड़ या फिर 30 करोड़ के आसपास आप कह लो, तो भाई बहुत ज्यादा बड़ी, मतलब जवान की जो एडवांस बुकिंग थी वो थी 15 लाख। मैं सोच रहा था कि भाई यहां तक कौन ही पहुंचेगा, कहां ये 2 दिनों में 15 लाख कर लेंगे, पर नहीं भाई सलार करके दिखा दिया है और सलार इजिली 15 लाख के ऊपर चले जाएगी, क्योंकि इसके पास भाई आज का दिन भी है, आज के पूरे दिन ये एडवांस बुकिंग करेगी, मतलब लिटरली ये 17-18 लाख तक भी चले जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई ये तो बोलते हैं ना कि आउट ऑफ सरप्राइज ही देखने को मिला है, ये प्रभास का लेवल है या फिर प्रशांत नील का लेवल है कि भाई KGF के मेकर जाए तो लोग उसके लिए भी इंटरेस्टेड है, और ये जब मिक्सअप होके आ गए, अगर भाई मूवी में कहीं आपको गलती से यश देखने को मिल जाए, आई नो कि भाई कहा गया है कि ये मूवी और KGF जो है वो दोनों अलग अलग फ्रेंचाइज हैं, मतलब अलग अलग टाइम लाइन में अलग अलग चीजें, लेकिन आउट ऑफ सरप्राइज अगर आपको कहीं यश दिख गए बीच में तो भाई ये मूवी 1000 करोड़ के पार इजीली चले जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। कोई कुछ भी कह ले, डंकी आ जाए, कोई भी आ जाए, भाई इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सलार 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 भाई अलग ही लेवल का इसने सरप्राइज किया है। पर वहीं अभी डंकी को भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान ये एक भाई ऐसा डुओ बन जाएगा कि जो बहुत बड़ी मूवी दे सकता है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान भाई इस टाइम ऐसे लेवल पे है कि उनके फेस से ही अकेली मूवी चल सकती है। मतलब अगर मूवी अच्छी निकल के आती है, राजकुमार हिरानी आज तक कोई फ्लॉप मूवी नहीं दी है, बड़ी बड़ी मूवीज दी है, 300 करोड़ के भी पार की मूवीज दी है, रणबीर कपूर को, संजू दी है, PK दी है, आमिर खान को, शाहरुख खान को भी डंकी दे सकते हैं कि भाई जो 300-500 करोड़ तक जाए। लेकिन भाई सलार के सामने अभी तक तो डंकी छोटी देखने को मिल रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग देखना ये रहेगा कि भाई ये दोनों मूवीज कहां तक जाती है। ऐसा ना हो जैसे भाई प्रभास की पिछली मूवीज के साथ भी हुआ है, बाहुबली, साहो, राधे श्याम, सबने 100 करोड़ तक मतलब ओपनिंग ली थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों को मूवी पसंद नहीं आई, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी और मूवीज फ्लॉप हुई, डिजास्टर बनी बहुत बड़ी बड़ी। भाई सलार के साथ मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, मतलब देखो भाई प्रशांत नील पे विश्वास पूरा है, क्योंकि KGF 1, KGF 2 हमने देखी है, बहुत अच्छी वो मूवी बनाते हैं, उनको पता है किस तरीके से लोगों को थिएटर में एंटरटेन करना है, तो भाई एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है। अब अगर ये सही मतलब खरे भी उतर जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। वहीं पे डंकी भी बहुत अच्छी मूवी होगी, क्योंकि भाई शाहरुख खान ने सोच समझ के स्क्रिप्ट उठाई होगी, क्योंकि भाई 2 ब्लॉकबस्टर देने के बाद कोई भी बंदा इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। राजकुमार हिरानी ने आज तक अपने करियर में कोई फ्लॉप नहीं दी है, देखने में मजा आएगा दोनों की दोनों मूवीज। भाई सबसे ज्यादा फायदा किसका है? जनता का, क्योंकि हमें 2 बहुत अच्छी मूवीज देखने को मिलेगी। आज देखिए डंकी, कल देखिए सलार। बाकी मिलते हैं इन दोनों के रिव्यू में। वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।